मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय बिहारी, श्याम हरित दुति हो। बाधा हरो राधा नागरी सो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय बिहारी, श्याम हरित दुति होय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे पूर्व में आने वाले तेता के राम जो शील संयम समाधान सौंदर्य के स्वामी हैं, जिन्होंने मर्यादा की लीलाओं को किया, बस जग में ये सुंदर नाम है दो, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम कहते इस देश का चरित्र मर्यादाएं परिभाषित होती हैं, तो कोई पूछ ले कि राम कौन है तो सहसा याद आता है राम इस देश का चरित्र है, राम इस देश का करैक्टर है। हमारा कोई चरित्र पूछना चाहे तो राम हमारा चरित्र, हमारी चर्या स्वभाव प्रकृति कोई पूछना चाहे तो तीर्थंकर अरहंत बुद्ध महावीर और आदिनाथ शंकराचार्य नानक रामानंद वल्लभ निम्बार्क रामानुज, ये हमारा स्वभाव चर्या है। इस देश के सौंदर्य से कोई परिचित होना चाहे, इस देश के प्रेम से, दार्शनिकता से, पांडित्य से, व्यूह रचनाओं में किस तरह से युद्ध जीता जा सकता है, बाह्यांतर शत्रुओं को कैसे मोहित किया जा सकता है, हर पल किस तरह से रस और रास में रहा जा सकता है, इस तरह से अगर कोई याद आते हैं तो गोविंद देव जी महाराज हैं, वो कृष्ण हैं। वो काल है कंस का, यशोदा का लाल, सुदामा की संपत्ति, सखू का सेवक, नामदेव का विठला, वो नानक का नूर है, वो ब्रह्म है शंकराचार्य का, वो साधुओं के परित्राण है, गोपांगनाओं के सांवरिया हैं, वो राधा का सर्वस्व है, त्रेता में राम बनकर कोदंड धारण कर मर्यादाओं के लिए दशरथ के आंगन में प्रगटे। किस लिए? बाड़े खलबू चोर जुआरा
जेलम पट पर धन पर दारा, माने पात मात पिता ने देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जब इस तरह से अनाचार पापाचार अत्याचार दमन अनीति शोषण और सैद्धांतिक निष्ठाओं और मूल्य परंपराओं का जब विस्मरण होने लगे, चलत दशानन डोलत अवनी, ऐसे में राम आए। माता की मति डोल गई, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजौतात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ब्रह्मांड ने कहा निर्मित माया, जो ब्रह्मांडों की रचना करता है, जो आदि पुरुष है परम पुरुष है, वह भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जिनके द्वार पर ब्राह्मणों का वेश बनाकर कितने ही देव और उनके झुंड में महादेव खड़े हैं, यतियों के वेश में, सन्यासियों के झुंड में शिव, ब्राह्मणों के समूह में ब्रह्मा, श्रेष्ठियों के समूह में इंद्र आदि द्वार पर खड़े हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, राम प्रकट हुए। आज भी इस देश की भोर राम के बिना अधूरी है भाई। आज भी कोई भारत के प्रभात के प्रथम स्वर से परिचित होना चाहे, कोई परकीय पश्चिमी कहीं और का प्राणी, और पूछना चाहे कि भारत की भोर में कौन गूंजता है, भारत की भोर की गूंज अनुगूंज वहां की ध्वनि, भारत की भोर में कौन सा नाम गुनगुनाया जाता है, तो आज भी गांवों में गैल गलियों में घाट चौबारों पर सौध पर गवाक्षों में से झांक कर मठ मंदिरों में परुण कुटीरों में परुणासन हिमपत्रिकाओं में साहूकारों के यहाँ अथवा राजवाड़ों में और कहीं कहीं जहां तहां एक नाम गूंजता है भोर में, तो भारत के प्रभात का कोई प्रथम स्वर है तो उसका नाम है राम राम जी, राम राम जी। द्वितीया के चंद्र को देखकर सहसा निकलता है राम राम जी, राम भारत की चेतना है, चरित्र है, संयम है, मर्यादाएं हैं, वो सच्चा भक्त है, उस जैसा स्वामी सेवक सखा नहीं, उस जैसा पति नहीं, उस जैसा पुत्र नहीं, उस जैसा गुरु नहीं, वो धर्म है भाई। इसलिए कुछ लोग पहुंच गए, एक तो हम भारत के लोगों को मूर्तियां बनानी बहुत आती है, मूर्ति बना लो, सतिया बना लो, दिया रख लो, आरती कर दें, कई लोगों को तो कुछ नहीं सूझता तो पत्थर को ही गेरू से पोत देते हैं और मेरे जैसा समझता है जय बालाजी के, तो क्या करें बालाजी होंगे, ये तो एक ऐसे पत्थर पे गेरू पोत दिया, चोला चढ़ा दिया, सिंदूर लगा दिया, एक लाल झंडा, हमारे जैसा आदमी भी कहता है जय बालाजी की, लोग मूर्तियां बना रहे हैं, अच्छी तो यहीं बनती हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, एक काला पत्थर है, सरसों का दिया, सरसों का दीपक जला दिया, एक काले कपड़ा झंडा लगा दिया, जय भैरव बाबा, भैरव है, हनुमान है, सिद्ध है, दुर्गा है, देवी है, कुल देवता है, कुल देवी है, कोई नहीं मिल रहा है तो पेड़ की पूजा कर रहे हैं, जय 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 तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, आदत है क्या करें बताओ।
पूजा करने की आदत भारतीयों की।